उमा भारती बोली, ओवैसी जिन्ना नहीं जिन बनकर रह जाएंगे। पूर्व सीएम ने कहा, कमलनाथ को राम मंदिर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। समारोह में शामिल होने भाजपा की फायर ब्रांड नेता और अयोध्या आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली उमा भारती भी जाएंगी। अयोध्या में विवादित ढांचा ढाए जाने के वक्त उमा भारती जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं थी भी वहां मौजूद थी। उनका सिर मुंडा हुआ था, वह ढांचा गिरने की गवाह रही। उमा भारती ने अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 का पूरा घटनाक्रम और सिर मुंडवाने की कहानी बताई। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस सपा समेत अन्य दलों द्वारा इसे बीजेपी का इवेंट बताने पर बेबाकी से जवाब दिया। उमा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में कहा, ओवैसी सोच रहे हैं कि वह जिन्ना बन जाएंगे, लेकिन वह जिन बनकर रह जाएंगे। अगर वो कह रहे हैं कि हम फायदा ले रहे हैं तो वे भी आ जाएं, बराबर का प्रसाद बट जाएगा। कांग्रेस आ जाए, सपा आ जाए, कम्युनिस्ट आ जाए, ओवैसी भी आ जाए, आराम से राम राम बोलते हुए आए, वहां कायदे से आना पड़ेगा। सरयू में स्नान करें जिन्होंने कभी राम के अस्तित्व को नकार दिया था। कांग्रेस ने तो एफिडेविट दिया है कि राम थे ही नहीं, उस चीज की माफी मांग लें, फिर आकर आराम से बैठ जाएं। कुर्सी नहीं मिलेगी तो हम लगवा देंगे, पीछे ही लगेगी लेकिन मिल जाएगी। सभी लोग वहां मर्यादा से रहेंगे, सभी आएंगे तो दिक्कत ही नहीं रहेगी, फिर तो उनको भी श्रेय मिलेगा। कार्यक्रम में ना आकर वे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वे वोट बैंक को साध रहे हैं। उमा भारती 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा का आह्वान हुआ। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद को लिखित में वचन दिया था कि ढांचा नहीं गिरने दिया जाएगा। मुझे कहा गया कि आप 1 दिसंबर से ही आ जाइए। मैं बांदा की जेल से सिर मुंडवा कर गई थी। लड़के के रूप में देखने के लिए मैंने सिर मुंडवाया था क्योंकि वहां से निकलना था। रात भर यात्रा करते हुए अगले दिन अयोध्या पहुंची। वहां धीरे धीरे कार सेवकों की संख्या बढ़ने लगी। अयोध्या खचाखच भर गया। संत के मठों में भंडारे होने लगे। कुछ चमत्कार था कि किसी को भी भोजन की कमी नहीं हो रही थी। जब हम पैदल आए तब लोगों का उत्साह देखा। सबसे पहले मंदिर रंग महल पड़ा जो वहां की परिधि में आ गया। मैं सबसे पहले मंदिर पहुंची, देखा विश्व हिंदू परिषद के लोग वहां बैठे हैं। उन्होंने कहा कि चलो शिलान्यास का हवन हो रहा है, एक एक मुट्ठी रेत डालना है। कल्याण सिंह ने लिख कर दिया था कि शिलान्यास ही होगा, ढांचा नहीं गिरेगा। सिर्फ आधा किलोमीटर की जगह थी जिसमें करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। आचार्य धर्मेंद्र जी ने मुझसे मंच पर चलने के लिए कहा, वहां से भीड़ को काबू करना था। मंच और ढांचे की दूरी करीब आधा किलोमीटर की थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।